has created an unusual situation in our current world. However, even during these testing times, our college has been continuously striving to connect with our students and colleagues by organizing several webinars. Department of History should also recognize this problem, and we have realized that how it has been affecting our mental state also. So to deal with that situation and achieve a more positive state of mind, the Department of History has taken upon itself a new initiative by organizing this web cultural evening, so that we are able to de-stress and leave all our worries behind. In this web cultural evening, two of our ex-students would be performing for us. I would now like Ajit sir to kindly introduce them. No. पहले सर से welcome address कर रही हूँ. सर से पहले welcome address. Sir, I would request you to say a few words about this new initiative. मुझे हाँ सर आपको welcome address करना. अच्छा. मुझे बड़ी खुशी है colleagues और students कि आपके हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया है. पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन की अवधि में हम लोग कई सार्थक बातचीत और वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, लाइव सेशन कर रहे हैं, और ये आइडिया बिल्कुल ही मौलिक रूप से अजीत का है. मैं उनको बधाई देता हूँ उसके लिए कि उन्होंने ही इस तरह का विचार रखा कि विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ कहीं ना कहीं मानसिक बोझिलता आ गई है, इसलिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए या ताजगी से भरने के लिए अगर हम संगीत की दुनिया में जाएं या कुछ कलात्मक दुनिया में जाएं तो शायद हमें और ताजगी आएगी. और जो इस लॉकडाउन के दरमियान जो कहीं ना कहीं एक निराशा और ऊब की स्थिति है, उससे हम बाहर निकल सकेंगे. मैं आप सबों का औपचारिक रूप से, खास करके जो हमारे दो जो पुराने छात्र कलाकार हैं, जो पुराने हमारे एलुमनाई जो जुड़े हैं इस प्रोग्राम से, मैं उनका, स्टूडेंट का, टीचर्स का, सबका कॉलेज की ओर से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में. और उम्मीद करता हूं यह जो शाम है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, और जो आप लोगों की गायकी है आपके कलात्मक संयोजन के माध्यम से हम लोगों का केवल मनोरंजन ही नहीं होगा बल्कि उत्साहवर्धन होगा. एक नई स्फूर्ति आएगी, एक नई चेतना आएगी, एक नई प्रेरणा आएगी. कल ही मैंने कहा था कि आप जहाँ भी जाएं अपनी धूप साथ लेकर के जाएं. तो जिंदगी में अंधेरे तो आते हैं, और ऐसा लगता है कई बार कि हम लोग अंधेरे बंद कोठरी में या किसी एक ऐसी गुफा में बंद है जो बिल्कुल बुक अंधेरा है, लेकिन उसमें इस तरह की रोशनियां और इस तरह की धूप अगर लेकर के हम साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर वो उजाला, वो उजास प्रसारित होगा जो हमें नई स्फूर्ति देगा, हमें नया उत्साह देगा, नया जीवन का संचार करेगा. और जो हमारे सामान्य जीवन से विपरीत स्थिति है उससे लड़ने की हमें शक्ति देगा. मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बधाई देता हूं. थैंक यू. अजीत सर, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स नाउ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू प्रिंसिपल सर. जो हमारे सहयोगी मित्र और पुराने छात्र, जो वर्तमान के छात्र एवं छात्राएं, और जो जूम पर हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अपने लिए जो है इस मौके के लिए समय निकाला. और ये सर के साथ रहते रहते वो तो मुझे जो है
ड्रामेटिक सोसाइटी में ले गए थे जब वो खुद कन्वेनर थे, और मैं कुछ संगीत मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ संगीत को सुनना और इस तरह के प्रायोजन हमें हमें मजा आता है। और मैं पिछले दो साल से फेसबुक पर तो था नहीं, लेकिन 2 साल पहले जब फेसबुक पर था तब जो आज के पहले परफॉर्मर हैं सिद्धार्थ वेंकटरामन, वो जब अमेरिका में थे तो वहाँ पर भी वीकेंड्स पर ये गीत और संगीत का लुत्फ उठाते रहते थे, और मैं उसको घर बैठे फेसबुक पर ही देखा करता था। तो सिद्धार्थ वेंकटरामन जो हैं वो 2007 से 2009 के बीच जो है हमारे स्टूडेंट थे, और अभी जो है ये प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्केटिंग जंगली गेम्स के। बहुत सारे जो है चीज़ों को इन्होंने एज ए करियर लिया, और अभी प्रेजेंट में ये हेड कर रहे हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट हैं। दूसरे जो हमारे हैं सुशील कुमार पांडे, ये 2005 से 2007 तक छात्र थे यहाँ पर, और सुशील के अभी जो हैं वो SME इन जेनपैक इंडिया हैं, उसमें कार्यरत हैं, और अभी एक बिहार के छोटे से गांव में जो है क्वारंटाइन हो गए हुए हैं, ऐसे ये दिल्ली में ही रहते हैं। तो हमने उनसे भी कनेक्ट किया, और इन लोगों की गायकी जो है उससे मैं वाकिफ था कॉलेज लाइफ से ही, कॉलेज में जब ये छात्र थे, और समय समय पर सिद्धार्थ तो जब आए थे, ये अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का जो एलुमनाई मीट किया था तो उसमें भी वो आए थे। तो कुछ छात्र और छात्राएं तो हमसे कनेक्टेड हैं, और म्यूजिक जो है ये एक जरिया है कनेक्शन का। हमारे जो पास आउट स्टूडेंट हैं ये तो चले जाते हैं हमसे दूर, लेकिन हमें जो है उनको अपने से जोड़े रखना है। हमारे जो है बीच में हमारे ही छात्र और एलुमनाई के जो वाइस प्रेसिडेंट रजनीकांत जी भी हैं, तो वो भी इस गतिविधि ऐसे गतिविधि को देख रहे होंगे, तो शायद वो भी एलुमनाई के थ्रू कुछ ऐसा करने की सोचेंगे, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि ये तो हिस्ट्री में ये दो कलाकार हैं हमारे बीच, और भी हैं लेकिन मैं इन्हीं दो लोगों से कनेक्ट हो पाया, और इनके बारे में चूंकि मैं परिचित था तो इसीलिए आज जो है यही दो कलाकार जो है हमारे सामने परफॉर्मेंस करेंगे। तो पहले मैं गुजारिश करूंगा सिद्धार्थ से कि वो अपने परफॉर्मेंस को दें, और जो भी उनकी कला मैं जानता हूँ कि एक क्लासिकल से लेके और बॉलीवुड सब गाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप क्लासिकल से शुरू करें। और सुशील पांडे को मैं जब ये छात्र थे तब से भोजपुरी गायकी में इनको देखता था, भोजपुरी गाना गाते हुए देखता था, और वो बल्कि मुझे प्रेरित करते थे कि सर ये जो कॉलेज का फेस्टिवल होता है तो उसमें भोजपुरी कलाकार को भी क्यों नहीं बुलाते हैं, इनका एक डिमांड हुआ करता था। तो खैर धीरे धीरे उसमें भी सर के आने से बहुत बेहतरी हो रही है उस कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह में भी। तो आज जो है हम अपने पूर्व छात्रों के द्वारा ही जो है अपने आप को म्यूजिक का आनंद लेते हैं। सिद्धार्थ। थैंक यू सर, आप सबको बड़ी बड़ी बातें बोल रही, और नर्वसनेस और डबल हो गए, पहले से नर्वस था मैं क्योंकि इतने सारे लोग मेरे को देख रहे नहीं होते जब मैं ऑनलाइन इतने सारे लोग देखते रहे, तो अभी सब लोगों ने वीडियो आई कैन सी एवरीबॉडी कैन सी मी, सो वो नर्वसनेस और डबल हो गया, एंड ऑल ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ देम आर माय टीचर्स, सो वो और डर लग रहा है। सो इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स प्लीज फॉरगिव मी, सो आई विल स्टार्ट विद द विलेज वंदना and then उसके बाद I'll come into Bollywood, और आप लोगों को sound if it's proper आप लोग please let me know, and if it is not proper then I'll adjust the sound here। तो मैं mic से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आवाज और clear आए, and गाने के लिए it's better if you use a earphone। सिद्धार्थ थोड़ा आवाज clear नहीं है। clear नहीं है। हाँ हाँ
अब देखिए सर आवाज आ रही क्लियर? नाउ नाउ इट्स ओके क्लियर हाँ ओके सर सो मैं पहले गणेश वंदना से स्टार्ट करता हूँ उसके बाद देन आई विल गो टू बॉलीवुड वक्रतुंग महाकाय सूर्यकोटिसहस्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः थैंक यू जस्ट गेट इनटू बॉलीवुड नाउ So, मैं पहला सॉन्ग जो गा रहा हूँ वो इट हैज बीन माय फेवरेट फ्रॉम कॉलेज एंड बहुत सारे लोग इसको जानते हैं तो बिना लोगों के बोलने से पहले मैं गाना गा देता साउंड अगर नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए उनको बीच में मेरे मन में बता दे तू किस ओर चला है तू क्या पाया कही तूने क्या ढूंढ रहा है जो है सही जो है सुने वो बात क्या है बता किस ओर चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है सही जो है सुनी वो बात क्या है बता जिसकी कमी थी क्या ये कमी है
Siddharth, you can raise your voice. आवाज नहीं आ रही. हाँ हाँ, थोड़ा sound पहले ठीक था, उसके बाद फिर. But beautifully sung, beautifully sung. Thank you so much. Thank you. अब बता दीजिएगा सर, अगर आवाज कम आ रही है. Keep this. Okay. ये ठीक है Siddharth. Okay sir. Okay. Next song is. For all the mothers, I'm singing Maa from Tare Zameen Par. पर अंधेरे से गलता हूँ यूं तो मैं निकलना नहीं तेरी परवाह करता हूँ तुझे सब है पता है तुझे सब है पता मेरी मौत भी तुम्हें निर्जर छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना भेजना इतना दूर मुझको
याद भी कुछ तो आना काम क्या कितना बुरा क्या इतना बुरा मेरी मां तुझे सब है पता है ना तुझे सब है पता मेरी मां मैं कभी बदला नहीं पर अधेरे से डरता हूँ यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ तुझे सब है पता तुझे सब है पता मेरी माँ Thank you, Professor Ma. So, my daughter also joined this in between. So, sorry, she came in between. No problem. next song is Khwaja Mere Khwaja. This was composed by A.R. Rahman sir. So, I'll try my luck with that. So volume सबको ठीक आ रहा है? हाँ, yes yes yes. Thank you sir. Ya Khwaja Ji
Tere dar pe jhuka
The song is from Pamon, a Sunday song. Is gaane ka naam hai Moh Moh Ke Dane. Tu
तू गजर पागल तूने मुझको बेचूंगा ऐसे सब रंग का सब से का तू गजर पागल तूने मुझको बेचूंगा तू दिन साए Thank you. तो सर अभी अगर मेरे टाइम खत्म हो तो बता देगा 5:45 ठीक है सर ओके तो सर आई एम सिंगिंग कुल फाय कुल ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है So I'm singing this song, sir. I'm sorry, just one minute, music for the lecture. बोला वही वही पारा
मेरी जिंदगी सवारी जो गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ मैं साया रहूँगा याद करेगी दुनिया
Thank you, Siddharth. Thank you so much. Thank you, Siddharth. Thank you very much. You have touched every sites of music and the song from classical, starting from class to Sufi to your this student life song. So we are very thankful. Thank you so much. Called Susil. So Susil will bring us to the folk song of Bihar. He will sing some Bhojpuri film, which Bhojpuri song, which he used to sing in college days also. So now I invite Susil. Are you listening? Yes, I can listen, sir. Now. Am I audible to all of you? Am I audible? Yes. Yes, Sushil, you are audible. Yes. Thank you. Good evening to all of you. I would like to thank all the people for a great, beautiful initiative. Jam purane dost, abhi jo students, juniors padh rahe hain, teachers, especially Ajit sir, thank you for inviting me. And I would sing a Bhojpuri song. I hope you all would like it. Start kar raha hu. ACS kai ke BA bachwa hamar competition deta एमए मिले के एडमिशन कंपटीशन देता एमए मिले के एडमिशन कंपटीशन देता ACS कई के बीए कंपटीशन देता एमए मिले के एडमिशन कंपटीशन देता पढ़े में ठीक हटे गुरिगार देह बा पढ़े में ठीक हटे गुरिगार देह बा घर के करे जाहुए बहुते स्नेह बा घर के करे जाहुए बहुते स्नेह बा जाई रौरा देखियाई नीके बा कंडीशन कंपटीशन देता अरे कंपटीशन देता एमएम मिले के एडमिशन कंपटीशन देता एमएम मिले के एडमिशन कंपटीशन देता आखिरी की लाइन है कि चानी पर के बाल झरल मुछ के निशान नहीं खे चानी पर के बाल झरल मुछ के निशान नहीं खे ओवर वाइल एज बाकिर तनिको गुमान नहीं खे ओवर वाइल एज बाकिर तनिको गुमान नहीं खे चानस भिरवले बाटे चानस भिरवले बाटे अरे देई के पिटीशन कंपटीशन देता अरे कचहरी से लेके परमिशन कंपटीशन देता कचहरी से लेके परमिशन कंपटीशन देता ACS कई के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता एमए मिले के एडमिशन
कंपटीशन देता एमएमएलए के एडमिशन कंपटीशन देता थैंक यू थैंक यू सुशील आप लोग को जानकारी के लिए ये जो अभी दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी उनका ये गाना है और सुशील ये गाना उस समय भी गाते थे और अभी जो सुनाया इन्होंने बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्सन थैंक यू सर तो उस समय भी जब ये 2005 से 7 के बीच में थे स्टूडेंट तब मैंने ये गाना सुना था जी। और 13 साल हो रहे हैं तो 13 साल के बाद मुझे तो बहुत इम्प्रूवमेंट जो है इस गाने में सुनने को मिला थैंक यू सुशील आई नो दैट यू आर क्वारंटाइन इन ए रिमोट विलेज और yes. इनके साथ समस्या है कि ये ससुराल में है क्वारंटाइन हो गए हैं पिच स्लो करके गाना पड़ रहा है हाँ तो इसीलिए ये खुलकर नहीं गा रहे हैं हाँ. क्योंकि ये ससुराल में है ससुराल में आप समझ सकते हैं दामाद की क्या क्या पाबंदियां होती है तो his whole pitch so now there is one Sushil you want to koi aur gana suna chahenge nahi sir abhi to nahi sir filhal thank you ke Sushil ha sir keh raha hu nahi filhal to abhi main yeah I'm not ready actually sir with song I was only prepared with one Achha. song हाँ हाँ तो आप गाएंगे या नहीं सर आप किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एक्चुअली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद अदर सॉन्ग ठीक सेल एक स्पेशल ओके तो एक स्पेशल इनवाइटी हैं आप हम लोग जब टीचर लोग का एनुअल डिनर पार्टी था तो उसमें आप एक छोटी सी बच्ची को गाते हुए सुना होगा या तो मैं एक आया हमारी तो क्लासमेट और कॉलीग है अपने अभी कॉलेज में तो उनकी बेटी है चित्राक्षी तो मैं चित्राक्षी को बुलाना चाहूंगा बहुत ही अच्छा छोटी सी तो छाया हाँ एक हेलो अजी हाँ हाँ सुन रहा हूँ गो बेटा गो कोई बात नहीं छाया उसको गाने दो उनसे मिली मेरे होश उड़ गए ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आंखें चार जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आंखें चार पास बैठे पर वो फिर भी हो गया उनसे प्यार फिर भी हो गया उनसे प्यार इतनी थी बस खबर
कि मेरे होश उड़ गए उनसे विलीन नजर कि मेरे होश उड़ गए थैंक यू बेटा थैंक यू वेरी नाइस बहुत ही अच्छा गॉड ब्लेस यू बेटा तो द बेस्ट सिंगर बहुत बढ़िया तकनीकी कारणों से थोड़ा उसका आवाज दब गया और एक हमारे बीच नहीं है हमारे मेरे तो सहपाठी हुए सहयोगी मित्र मिहिर नहीं है किसी कारणवश तो अगर वो आज रहते तो वो भी मैं तो बहुत कोशिश किया था कि वो भी आए जुड़े हमसे लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण वो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ तो बस इतना ही एक नया एक एक्सपेरिमेंट था और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है कुछ नया करता आया है करता रहता है तो उसी की कड़ी में ये आज का ये जो कल्चरल इवनिंग था तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए विजिका जी से गुजारिश करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स दें थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कैन यू हियर मी ऑल आप सुन सकते हैं मुझे Yes, we can hear you. So thank you for this wonderful performance, Siddharth and Sushil, both. It was indeed a pleasure to hear you both. And I'm sure, and my many congratulations to Chitrakshi. She was the entertainer of the evening. And I'm sure this performance will help tough times. I would like to thank Principal Sir for being part of this initiative taken by the Department of this Web Culture. Thank you. Ravindra ko bhi technical assistance jo Ravindra samale hue the. रविंद्र असिस्टेंट ही और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो श्रेय है वो अजीत सर को जाता है उन्हीं का ये आइडिया था और उन्हीं के इनिशिएटिव द्वारा हम ये कर पाए हैं और ये संभव नहीं आप लोग के बिना सहयोग के मेरा क्या है तो सभी जो पुराने अब मैं एक एक छात्र को कहूंगा जो पुराने छात्र हैं या नए हैं जो हैं अब आ ही गए हैं हम लोग वेब प्लेटफॉर्म पे तो एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते जाएं किस बैच में थे वो बताते जाएं नाम बताते जाएं अपने अपने अजीत आर यू लिस्टिंग यस म्यूट योर वीडियो एंड ऑडियो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या हाय दिस इज अजीत 2013 टू 2016 बैच एंड करेंटली आई एम गांधी फेलो ओके देन साईं Hello everyone, I am Sai Vishwakarma. I was in ARSD college from 2016 to 19 and currently I am in JNU. I am doing ancient history masters in the Center for Historical Studies. Thanks. Amit, can you introduce yourself, Amit? Amrit? मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर अमृत कुमार 2004 से 7 बैच में था मैं वहाँ और अभी मैं सेंट्रल से झारखंड के जनसंचार विभाग में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं धन्यवाद सात्विक और हर्षिता ये लोग कुछ हैं एक हमारे बहुत बीच बहुत खास मेहमान है जो DTU में है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैं उनको चाहूंगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ARSD कॉलेज के हर एक प्रोग्राम को वो देखती हैं सुनती हैं पूर्वा हाय सर आई एम पूर्वा गुलाटी आई एम इंग्लिश फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी
And it's been like only two semesters that I've started teaching. I'm very newbie in this teaching profession. And I'm really enjoying every particular program hosted by Atma Ramsen Atom Therapy College, because these days we are comparatively free. And I think this is the